नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर दस क्लासेज में। तो दोस्तों, पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 से जो काफ़ी सारे मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो साथियों, पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 से जुड़ा मामला है, आरक्षित अभ्यर्थियों को नहीं दी जा रही शारीरिक परीक्षा में उम्र की छूट, उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब। तो साथियों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल जो भर्ती है उसमें आरक्षित जो अभ्यर्थी हैं उनको जो है शारीरिक परीक्षा में उम्र की छूट है वो नहीं दी गई। तो ये इससे जुड़ा मामला है, तो जानते पूरी खबर के बारे में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें साथियों, और अजमेर जीआरपी के बारे में बताएंगे लाइव वीडियो के अंत में, जरूर बने रहें। तो पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 को लेकर एक बार फिर से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की आयु सीमा की छूट नहीं मिलने तथा शारीरिक परीक्षा में नहीं बुलाने पर राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की गई है, जिसमें नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है कि वरिष्ठ न्यायाधीश विजय विष्णु की एकलपीठ ने याचिका को विचारधारक स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 6 जुलाई 2 को जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता रूपाराम देवासी ने अधिवक्ता रिपुदमन सिंह के जरिए याचिका पेश की। बताया कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 की विज्ञप्ति में SC ST OBC व OBC वर्ग MBC वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उम्र में 2 साल की छूट का प्रावधान था। याचिका OBC ने संबंध रखता है। याचिकाकर्ता ने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, लेकिन पुलिस विभाग ने उसे शारीरिक परीक्षा में नहीं बुलाया, जिसके कारण उम्र की छूट नहीं दिया गया था। याचिकाकर्ता ने बताया कि उसके अधिकतम अंक थे, जबकि कम अंक वाले को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया गया था। ऐसे हजारों अभ्यर्थी हो सकते हैं जिनको उम्र की छूट नहीं मिली। उच्च न्यायालय ने प्रारंभिक सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के गृह विभाग को नोटिस जारी कर किया। अब महाधिवक्ता मनीष व्यास को और उससे सहयोगी कैलाश को नोटिस स्वीकृति करते हुए जवाब के लिए समय चाहा, जिस पर न्यायालय 6 जुलाई तक का समय दिया है। तो साथियों, जो है काफ़ी सारे साथी हैं जिनको उम्र में छूट नहीं मिली है। तो अब बात कर लेते हैं अजमेर जीआरपी के रिजल्ट की। तो साथियों, अजमेर जीआरपी का रिजल्ट है वो आपके जल्द ही घोषित हो जाएगा, जल्द ही घोषित होगा। 6 तारीख तक आपके वो है न्यूज़ आ सकती है, 6 तारीख तक, 6 जून से पहले आपको खुशखबरी मिल सकती है कि जो है अजमेर जीआरपी का रिजल्ट है वो फैसला है वो आ गया है। अब कब होगा उसका जो आगे की प्रक्रिया है, तो चैनल पर जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। घर पर रहे, सुरक्षित रहे। थैंक यू।